एवरीवन, दिस साइड प्रियांशु सिंह, स्वागत करता हूं मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल बुक यू सीट नौ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी और नीट पीजी के डीम्ड यूनिवर्सिटी ने जो आपकी हाई कोर्ट में अपील की थी उसके बारे में बात करेंगे। AWS क्राइटेरिया की क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। NMC बिल इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी अलग अलग कॉलेजेस के जो फीस स्ट्रक्चर आपके सामने पब्लिश हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि उस फीस स्ट्रक्चर में ऐसा क्या था जो चीज़ें को ये लगता है कि NMC बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी को आपका पांडिचेरी की तरफ से एक आपकी भी नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी है आपकी, वो सारे ऑल इंडिया 50% सीट्स पे आपको गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लेगी, गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन लेगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फिर 3 से 4 दिन के बाद उसको जो जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, वो सब के जो भी चेयरमैन हैं वो सब इकट्ठा होकर एक नोटिफिकेशन या फिर एक कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके डिमांड करी है, चीज़ें रखी हैं कोर्ट के सामने कि हमारे साथ ये सब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी या हम लोग 50% सीट्स अपनी गवर्नमेंटल फीस पे ले लें, उससे तो हमारा कुछ नहीं होगा, सब्सिडाइज भी नहीं निकलेगा, ना ही हम अपना कॉलेज रन कर पाएंगे। तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स उन्होंने दिए थे कि हम कॉलेज अपना रन नहीं कर पाएंगे जब तक हमको कोई सब्सिडी या तो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड ना कर ले, तो फिर हम पॉसिबल है कि फिर भी हम कर सकें 50% सीट, वरना पॉसिबल नहीं है कि हम ले सकें कोई भी एडमिशन या 50% सीट पे आपको एडमिशन ले सके गवर्नमेंट का। तो यही चीज़ आपकी कोर्ट में उन्होंने फाइल की थी पेटिशन, ठीक है, जिसकी सुनवाई वो 8 तारीख को होनी है, मतलब कल 8th of August को इसकी पहली हियरिंग है हाई कोर्ट में। इसमें देखना यह है कि अगर कोर्ट जजमेंट भी सुनाता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि वो एक ही बार में जजमेंट सुना दे, जब तक वो दोनों पक्ष का नहीं सुनेगा, डीम्ड का नहीं सुनेगा और NMC का नहीं सुनेगा, तब तक वो कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता है। पहले तो वो दोनों चीज़ की सुनेगा, होपफुली क्या पता वो फिर से चीज़ें दे, डेट बढ़ाए आगे, अगर डेट बढ़ती आगे तो जाहिर सी बात है काउंसलिंग में कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि AWS की भी हियरिंग जो है वो भी होनी है और ऊपर से एक केस और फाइल हो गया, जिसको देखते हुए ये लगता है कि अगर इसका जल्द से जल्द फाइनल वर्डिक्ट नहीं निकला, फाइनल जजमेंट नहीं निकला, तो जाहिर सी बात है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हौचपौच होते दिखाई देंगी, ठीक है। तो मोटी मोटी चीज़ यह है कि अगर देखा जाए तो अगर जल्द से जल्द इसका जजमेंट नहीं निकाला जाएगा, तब तक तो कहना कुछ बहुत मुश्किल होगा। और पहली चीज़ तो यह है इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि अगर को हाई कोर्ट किसी भी जगह पे या किसी की भी डीम्ड या NMC के फेवर में जजमेंट देता है, तो जाहिर सी बात है अगली पार्टी जो भी रहेगी वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस फाइल करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होगा तो फिर से उसकी हियरिंग होगी, फिर से सारी चीज़ें स्टार्टिंग से होगी। तो जाहिर सी बात है चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। और जो काउंसलिंग की डेट है, जो आपकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने काउंसलिंग डेट बताई थी 1st of September, तो उसको भी कंटिन्यू करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो केस चल रहा है वो चलेगा ही चलेगा, प्लस AWS का भी अभी कोई अपडेट नहीं है। और जो आपका कहा जा रहा है कि 17 तारीख जो आखिरी डेट थी 17th of August, जिसमें कॉलेज के इंस्पेक्शन चल रहे हैं, उसके बाद भी क्या NMC क्या अपडेट देती है, वो भी एक देखने वाली चीज़ें दिखाई देंगी। तो अगर कोर्ट किसी की भी फेवर में जजमेंट देता है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ें सुनेगी, तो सुप्रीम कोर्ट भी पॉसिबल नहीं है कि जल्द से जल्द जजमेंट वो अपना सुना दे, तो थोड़ा समय लग सकता है, क्या पता काउंसलिंग फिर से पोस्टपोन हो जाए, अभी कुछ भी नहीं कह सकता है। और पहली दूसरी चीज़ यह है कि जो आपकी AWS की हियरिंग है, जो कि आपकी 20th और 27th को होनी थी, उसको पोस्टपोन करके 2nd of August किया था, फिर उसको पोस्टपोन करके आपस 18th of August कर दिया गया था। तो 18 तारीख जिस दिन आपका इंस्पेक्शन ख़त्म होगा, उसके अगले दिन इसका AWS का केस फाइल होगा फिर से, सॉरी केस की सुनवाई है, उसका भी जजमेंट देखने वाला है कि क्या हाई कोर्ट तुरंत जजमेंट देता है या फिर से उसको पोस्टपोन करता है, क्योंकि AWS की जो हियरिंग है वो भी पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं आपकी काउंसलिंग में मे भी देरी कर दे या कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जब तक जजमेंट नहीं आएगा, चाहे आप डीम्ड की बात करें चाहे आप इसकी बात करते हैं AWS की, तब तक काउंसलिंग स्टार्ट होने में मे भी पोस्टपोन होने में
चांसेस बन सकती है। और बाकी अगर हम NMC बिल के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो कॉलेजेस कुछ कॉलेजेस ने अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर जो अपडेट करके सामने रखी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी अगर NMC बिल इम्प्लीमेंट होता है या कॉलेजेस तैयार होते हैं NMC बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो फिर से आपकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है फिर से रीशेड्यूल किया जाएगा, रीअपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी परेशान होने की बात नहीं है। अब दोनों दोनों चीज़ के लिए रहें, यह ना सोचिए कि NMC बिल इम्प्लीमेंट हो गई होगा, ठीक है। अभी भी चांसेस हैं 70% के NMC बिल इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन अभी ये चीज़ ना सोचिए, कन्फर्म ना करिए कि NMC बिल इम्प्लीमेंट होगा और ऐसे आप सोच के अपना चीज़ें ख़राब कर लेंगे वरना, ठीक है। तो ये सोचिए कि अगर नहीं भी होता तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, अगर हो भी जाता तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, चाहे नीट PG का स्टूडेंट हो या UG का स्टूडेंट हो, क्योंकि दोनों को काउंसलिंग में अटेंड करना ही करना है। बिना स्ट्रेटजी एनालिसिस के वो काउंसलिंग नहीं कर सकता, अगर काउंसलिंग करता भी है तो काउंसलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ बेकार हो जाएगी। क्योंकि जो काउंसलिंग की जाती है वो पूरे एनालिसिस और पूरे स्ट्रेटजी के साथ की जाती है। अगर नहीं करते हैं आप तो कोई भी कॉलेज आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है, आपके जो भी डिज़ायर्ड स्कोर है या जो भी डिज़ायर्ड कॉलेज है वो आपको नहीं मिल पाता है। क्योंकि हर चीज़ सोच समझ ही करनी चाहिए कि किस स्टेट में हमको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या हमारे स्कोर इतना है तो PG सीट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, डिज़ायर ब्रांच मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती है, समझनी पड़ती है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है पूरा, और एनालिसिस करना पड़ता है, तभी आपको मिल पाता है। अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमको, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे एडमिशन प्रोवाइड कराने में। जो भी सर्विस जो भी पेड काउंसलिंग का चार्ज होगा, पहले आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा काउंसलर आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे आपके स्कोर के अकॉर्डिंगली, और कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा और कौन सी, या PG के लिए बात करते हैं तो कौन सी ब्रांच उनको मिल पाएगी और कौन से कॉलेज में मिल पाएगी, सारी चीज़ें वो आपको डिटेल में बताएंगे। तो हम बात कर रहे थे AWS के हेयरिंग के बारे में, सॉरी NMC बिल के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो वही चीज़ है कि अभी आप दोनों चीज़ को तो सोच के रखिए कि होगा तो हम क्या करेंगे, वो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। पूरा एक चीज़ पे निर्भर ना हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक चीज़ पे निर्भर हो जाते हैं तो पॉसिबल नहीं होता कि वो चीज़ हो, ठीक है। तो अभी 70% चांसेस हैं कि हो सकता है NMC बिल इस साल से इम्प्लीमेंट हो जाए, भले पूरा ना करें, पार्शियल करें, लेकिन करेंगे, क्योंकि हमारे PM मोदी ने भी ऐसा कहा हुआ है कि इस साल से NMC बिल इम्प्लीमेंट होगा। और दूसरी चीज़, RTI की जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितने भी रिप्लाइज आ रहे हैं, उस सब में NMC बिल का इम्प्लीमेंटेशन का जिक्र किया गया है कि वो इसी साल से इम्प्लीमेंट होगा। तो देखने वाली बात है कि 17 जो अगस्त है उसके बाद से आपको कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगा NMC की तरफ से 5 से 6 दिन में, कि क्या NMC बिल इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और कैसे होगा, सारी चीज़ें एक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। और रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग भी में भी डिले हो सकती है, बट अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको वो भी बताएंगे, क्योंकि जो केस फाइल्स हुए हैं उसके चक्कर में भी काउंसलिंग आपके डिले हो जाए, क्योंकि दोनों चीज़ सही हैं, क्योंकि डीम्ड और प्राइवेट ने भी केस किया रखा और AWS हियरिंग के लिए भी केस होना ही होना है। तो ये चीज़ जब तक हियरिंग पूरी नहीं होगी, जजमेंट नहीं आएगा, तब तक आपका कुछ कहना मुश्किल है कि काउंसलिंग आपकी रिशेड्यूल होगी या उसी डेट से स्टार्ट होगी। चाहे हम PG की बात करें, चाहे हम UG की बात करें, UG का तो अभी रिजल्ट ही आया है, जैसे ही आ जाएगा उनको भी हर चीज़ें क्लियर आउट होते हुए दिखाई देंगी। बहुत ज़्यादा 1 हफ्ता या 5-10 दिन के अंदर आपका भी रिजल्ट आ जाना है UG का, ठीक है। बाकी हम EWS की बात कर लिए, NMC बिल के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर लिए, और जो कॉलेजेस फ़ीस बताए निकाले हैं उसके बारे में बता दिया कि वो फिर से आपको रीपोस्ट हो सकती है, रीअपडेट हो सकती है अगर NMC बिल इम्प्लीमेंट होता है 50% सीट्स पे, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और जो भी ह्यूमर्स फैला रहे हैं कि ऐसा कुछ है, तो आप पहले पूरी चीज़ें जान लीजिए, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिए और उन ह्यूमर्स से बचें, ठीक है। तो होपफुली मेरे ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अलविदा लेना चाहता हूँ, धन्यवाद।